पैर से धक्का मार रहा हूँ। वो क्या मानना है कि डायरेक्ट गाड़ी चलता है क्या? हाँ यार ऐसे तो जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है। डाउन है ना भी। वही तो बात है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज योर होस्ट जतिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन जुले फ्रॉम ले। प्रीवियस व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा मुझे जाना था पेंगोंग लेक से दिस्किट और हुंदर वाले रूट पे, बट बीच में हो गई थी लैंडस्लाइड, तो वो था मेरा बैड लक। और फिर उसी रूट से मैं वापस आ गया था ले। ले एक्सप्लोर भी नहीं किया था तो सोचा कि ले को एक्सप्लोर करूँगा। तो फिलहाल आज हम जाने वाले हैं ले को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे शांति स्तूपा। शांति स्तूपा जो पड़ता है वो चांगसपा रोड पे पड़ता है, और मैंने जो भी होटल लिया है, होटल नहीं मतलब एक गेस्ट हाउस जो मैंने लिया है वो भी चांगसपा रोड पे ही है। प्रीवियस व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा जो ले से हालने वाला जो एपिसोड था उसमें मैंने इसी गेस्ट हाउस में स्टे किया था, तो वापस मैं इसी गेस्ट हाउस में आ चुका हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ शांति स्तूपा के बारे में। आप जस्ट मेरे पीछे देख ही रहे होगे शांति स्तूपा, वहीं पर जाना है हमें। तो फिलहाल निकल चुके हैं शांति स्तूपा के लिए और यही वाली रोड जाएगी, बाकी पूछते पूछते चलेंगे। ये है सीढ़ियाँ शांति स्तूपा जाने के लिए, ये यहाँ से आपको सीढ़ियों पे जाना पड़ेगा और रोड ये होगी मेरे हिसाब से शांति स्तूपा के लिए। भैया शांति स्तूपा के लिए यही जाएगा? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो यही रोड जाएगी अब शांति स्तूपा की तरफ, और जो सीढ़ियाँ मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी अगर आप पैदल आते हो तो उन सीढ़ियों से चढ़ के आना पड़ता। पहुँच गए। सो फिलहाल इस वक्त मैं शांति स्तूपा में, आप मेरे पीछे देख ही रहे होगे, बड़ा ही प्यारा लगता है शांति स्तूपा। और इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो पार्किंग तो यहाँ पे फ्री है, बट जैसे ही आप एंट्री लोगे एंट्रेंस गेट से वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे 30 रुपये एज अ एंट्री फ़ी, और उसके बाद आपकी एंट्री होती है शांति स्तूपा के अंदर। और यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाता है एक बर्ड आई व्यू ऑफ द ले सिटी जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। बर्ड आई व्यू जो है वो बड़ा ही प्यारा लगता है यहाँ से, और कैमरे में पता नहीं कितने अच्छे से जस्टिस हो पाया होगा, बट जब आप रियलिटी में यहाँ पे आके देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जो बेस्ट टाइम है अभी यहाँ पे आने का वो है सनराइज़ के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे आने का। मेरे पीछे तो आप देख ही रहे होगे पूरा क्लाउडी वेदर है, तो अभी सनसेट को यहाँ पर इन्जॉय करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पता नहीं किस तरीके का व्यू आएगा। तो बट अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो सनराइज़ या सनसेट के टाइम पे आना, बड़ा ही प्यारा लगेगा। सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और रात के 9 बजे तक ओपन रहता है ये शांति स्तूपा। जो बनवाया गया था वो 1991 में बनवाया गया था, कोई जैपनीज बुद्धिस्ट थे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्सन राइट नाउ, आई थिंक विकाशु करके कुछ नाम है उनका, कन्फर्म नहीं है कुछ भी, बट उन्होंने बनवाया था ये। एक्चुअली क्या था कि जो जैपनीज थे, जो जैपनीज बुद्धिस्ट थे और जो लद्दाखीज थे, उन उन्होंने मिलके इसको बनवाया था, क्योंकि बुद्धिज़्म को जो था वो 2500 साल जो थे वो कंप्लीट हो गए थे, उसकी याद में इसको बनवाया गया था, और वो एक पीस को जो था वो प्रमोट करना चाहते थे वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी याद में ये शांति स्तूपा बनवाया गया था। शांति स्तूपा में आपको देखने के लिए मिल जाता है एक मेडिटेशन हॉल, यहाँ पर आप आराम से मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो फिलहाल इस वक्त मैं शांति स्तूपा के एक कैफेटेरिया में, मेरे जस्ट सामने ही कैफेटेरिया, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये कैफेटेरिया है, मैंने अभी यहाँ पे ऑर्डर किया है एक नूडल और एक एप्रिकॉट जूस। एप्रिकॉट जो है वो एक यहाँ का लोकल फ्रूट है, तो उसका जूस मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। और अगर आप भी लद्दाख में आ रहे हो या फिर शांति स्तूपा की तरफ आ रहे हो तो एप्रिकॉट को खाना ना भूलें, या फिर उसका जो जूस होता है उसको पीना ना भूलें, लोकल फ्रूट है यहाँ का, ट्राई करके ज़रूर जाएँ। और फिलहाल मेरे सामने है एक ले सिटी का कम्प्लीट आईबर्ड व्यू, मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया था व्यू, और यहाँ से भी व्यू जो है वो अमेजिंग आता है। हाँ जी, और जो स्टेयर्स मैंने आपको दिखाई थी रास्ते में से
वो है स्टेयर्स, वो वहाँ से होते हुए आती है और यहाँ से होते हुए आपको यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। तो फिलहाल इस वक्त मैं ले पैलेस में, एक्चुअली कल शांति स्तूपा के बाद आने का यहाँ पे प्लान था, बट क्या हुआ कि यहाँ पे कल एलजी आए हुए थे लद्दाख के, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो थी एंट्री बंद थी। वैसे मैं अब जहाँ कहीं पे भी जा रहा हूँ ना, वहाँ पे मुझे वीआईपी एंट्रीज देखने को मिली रही हैं। सबसे पहले मैं गया अटल टनल, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की विज़िट थी। कल मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एलजी की विज़िट थी, बट फिलहाल कोई नहीं, चलता रहता है ये। तो फिलहाल मैं हूँ इस वक्त लेह पैलेस पे, और लेह सिटी में काफ़ी अच्छा एक मोन्यूमेंट है जहाँ पे आप अच्छा खासा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो लेह पैलेस में टोटल 9 फ्लोर है और इस वक्त मैं 7th फ्लोर पर हूँ, और जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे होगे ये 9th फ्लोर, बट 9th फ्लोर जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है तो इसलिए उसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। और इस वक्त मैं 7th फ्लोर पर हूँ और सामने से आपको दिख जाते हैं जंस्कर माउंटेन्स जो कि स्नो कवर्ड है। ले पैलेस पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, किसी किसी पोर्शन पे आपको अलाउड है, बट जो मोन्यूमेंट्स जहाँ पे लगे हुए हैं और जहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह लगी हुई हैं वहाँ पे आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ व्लॉग किया नहीं, जो भी होगा वर्बली आपको बताऊँगा। जहाँ जहाँ पे अलाउड था वहाँ का कुछ कुछ पोर्शन शूट किया है, वो मैं वीडियो में डाल दूँगा। अब बात करते हैं लेह पैलेस की थोड़ी सी हिस्ट्री की। इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1553 में स्टार्ट हुई थी, और नामग्याल डायनेस्टी का एक रूलर था उसने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी, उसका नाम था सेवांग। नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी गलत हो सकती है, बट एग्जैक्ट और करेक्ट नेम विद स्पेलिंग जो होगा वो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। बट सेवांग से भी इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो कम्प्लीट नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद उसका सक्सेसर आया सेंगे, उसने जो थी इस ले पैलेस की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करी, और टोटल जो थे इस पैलेस पे 9 फ्लोर बनाए गए। उस टाइम की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग ये थी, और अपनी फैमिली के साथ जो था सेंगे वो यहाँ पे रहता था, तकरीबन 9th फ्लोर पे वो रहता था, और नीचे के जितने भी फ्लोर थे वो स्टोर रूम्स वगैरह टाइप के थे जहाँ पे वो अपना सामान रखता था, और ऊपर के जो फ्लोर थे वहाँ पे सेंगे अपनी फैमिली के साथ रहता था। फिर डोंगरा आर्मी आई, उसने ले को कैप्चर करने की कोशिश की, उसके बाद जो सेंगे था वो यहाँ से चला गया। उसके बाद ले पैलेस ऐसी रहा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब टाइम बीतता चला गया गवर्नमेंट ने इसको म्यूज़ियम बना दिया। ले पैलेस का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं हेरिटेज साइट्स, इंडिया की जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उसके बारे में वहाँ पे आपको बताया हुआ है विद फोटोग्राफ्स। और जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक टेंपल, और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं लद्दाख के मोनूमेंट्स। लद्दाख में जितने भी मोनूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको थर्ड फ्लोर पे विद फोटोग्राफ्स आपको सब बताया हुआ है। तो ओवरऑल यही था ले पैलेस के बारे में, और अभी फ़िलहाल ले पैलेस से विदाई लेते हैं। तो फिलहाल इस वक्त मैं मैग्नेटिक हिल वाले पॉइंट पे, और आप मेरे पीछे भीड़ देख ही रहे हो, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बाइक खड़ी हुई हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक हिल पे, बट मुझे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। मैंने डाउनवर्ड स्लोप में जब गाड़ी लगाई तो हो गई थी, बट अपवर्ड पे वो ऊपर जा ही नहीं रही है न्यूट्रल करने के बाद, वो वापस नीचे आ रही है। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जब आप रोड पे जो लाइनें बनी हुई हैं उसके बीच में जब आप अपना व्हीकल पार्क करते हो तो अपने व्हीकल को न्यूट्रल कर दो, और उसके बाद जो ग्रेविटी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है, बट ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। तो ये है वो लाइन जो रोड पे बनी हुई है, और अगर आपको मैग्नेटिक हिल वाली फीलिंग इंजॉय करनी है तो आपको इन लाइन के बीच में अपना व्हीकल पार्क करना पड़ेगा और उसको न्यूट्रल कर देना है, उसके बाद जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करता है। मैंने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क करी थी, वो नीचे तो चली गई क्योंकि ये नीचे डाउनवर्ड स्लोप है, बट अभी ये देखना है कि जब मैं अपना व्हीकल वहाँ पे पार्क करता हूँ तो वो ऊपर जाती है या नहीं जाती, तो अभी बस वही देखना है, अभी मैं वो वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। सो फिलहाल अभी ट्राई करते हैं मैग्नेटिक हील पे। ये मैंने लगा दी बाइक लाइन में और इसको भी करता हूँ न्यूट्रल।
हिल ही नहीं रही है, तो हल्का सा धक्का देके देखते हैं। वैसे तो जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा ना, पैर से धक्का मार रहा हूँ। वो क्या मानना है कि डायरेक्ट गाड़ी चलता है क्या? आ यार ऐसे तो जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है। डाउन है ना तू? हाँ वही तो बात है, और इसमें भी जा नहीं रही है। अब आ रही है नीचे। ये तो डाउनवर्ड स्लोप आ गई, अब तो नीचे जाएगी जाएगी वो। अभी मेन ये देखना है कि ऊपर कैसे जाती है। ये कर दिया मैंने न्यूट्रल, नहीं जाएगी ऊपर, जा ही नहीं रही है। पीछे ही आ रही है बाइक। कुछ नहीं हो रहा, नहीं जा रही ऊपर, तो कुछ भी नहीं हुआ। और अभी निकलते हैं यहाँ से और मैं आपको मिलता हूँ संगम पॉइंट पे। फिलहाल अभी जा रहे हैं संगम पॉइंट देखने के लिए, और यहाँ से जस्ट तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर के करीब रह गया है। नीचे मेरे साथ साथ चल रही है एक रिवर, और आगे जाके 2 रिवर मिलती हैं, तो वही संगम पॉइंट देखने जा रहे हैं अभी। तो फिलहाल इस वक्त मैं संगम पॉइंट पे, और आप मेरे पीछे जो 2 नदियाँ देख रहे हो, एक है इंडस रिवर और एक है जंस्कार रिवर। इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम होता है, और यहीं पे तो ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और आपस में मिलके एक नदी बन जाती है। इंडस रिवर के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया था जब मैं डैमचौक विलेज गया था, क्योंकि इंडस रिवर जो है वो चाइना से आती है, और डैमचौक विलेज वही प्लेस है जहाँ से वो इंडिया के अंदर एंटर होती है। और काफ़ी अच्छा प्लेस है। जब आप ले आते हो, ले से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर आगे ये प्लेस पड़ता है, जब आप निमू की तरफ निकलते हो। निमू यहाँ से तकरीबन रह जाता है 6 से 8 किलोमीटर के करीब, और काफ़ी अच्छा प्लेस है, उसी के बीच में पड़ेगा। अगर आप ले आ रहे हो तो इस पॉइंट को कवर करना मत भूलना, काफ़ी अच्छा प्लेस है। ये वाली जो आप ब्लूश ब्लूश कलर में देख रहे हो, और ग्रीनिश ग्रीनिश जो कलर है, ये इंडस रिवर है जिसको सिंधु नदी बोलते हैं। और वो जो सामने से जो रिवर आ रही है वो जंस्कार रिवर है, और यहाँ पर इन दो नदियों का मिलन होता है, और यहाँ से ये दोनों एक ही रिवर बन जाती है। फिर ये है संगम पॉइंट।